एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वैष्णव पीपल वैष्णव बहुजन। भारत को गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम डिबेट बनाकर बर्बाद कर रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए खतरा है। मद्रास हाईकोर्ट बुद्ध मूर्ति को मुक्त कराया। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। भारत एक डेमोक्रेसी स्टेट है। भारत का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। भारत का संविधान किसी भी पन्ने पर हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो संविधान विरोधी तत्व है, जो देश विरोधी तत्व है, ऐसे लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमारा संविधान कभी भी ये देश को हिंदू राष्ट्र का आख्या नहीं देता है। भारत का संविधान का आर्टिकल 1 में देश का नाम भारत रखा गया है। भारत का प्रियम्बुल में भी संविधान का प्रियम्बुल में हिंदू शब्द ही नहीं है। फिर भी कुछ लोग आजकल हिंदू राष्ट्र क्यों कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत का चौथा पिलर जिसको बताया जाता है, जब हम टीवी खोलते हैं, गोदी मीडिया खोलते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम डिबेट ही होता है। इसीलिए शायद ऑफरिन उनका ट्विटर हैंडल में लिखता है, अगर आपको हिंदू मुस्लिम डिबेट देखने की बात जो सुनकर मुस्लिम समुदाय का ऊपर आपको जो नफरत आता है, वो नफरत से मुक्त होने के बाद जब कुछ वक्त फुर्सत मिलेगा तो आपके लिए सोचिए, अपनी बेटी के लिए सोचिए, क्योंकि आपका बेटी का पढ़ाई का फीस कहां तक बढ़ गया है, क्या आप उनका फी भरने के लिए लायक है? हिंदू मुस्लिम डिबेट इसीलिए कर रहा है गोदी मीडिया कि आपका माइंड को डाइवर्ट करके उनका मनसा को फिलअप करने के लिए वो तैयारी कर रहा है। ये शायद अफरीन उनका ट्विटर हैंडल में लिखता है। जब आपको हिंदू मुस्लिम डिबेट से फुर्सत मिलता है तब आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं तो आपका पेंशन के लिए सोचिए, क्योंकि आपका पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। आपका रिटायरमेंट के बाद आप हिंदू मुस्लिम कर नहीं पाएंगे, आपको पेंशन ही नहीं मिलेगा तो आपका जिंदगी कैसे बर्बाद होगा, थोड़ा तो सोचिए। आपको हिंदू मुस्लिम डिबेट से फुर्सत मिलने के बाद आपका परिजन के बारे में तो सोचिए। जब आपका परिजन बीमार होते हैं, आपका बूढ़े माँ और बाप बीमार होते हैं, तो उनका मेडिकल बिल के बार तो सोचिए, क्या आपका पास पैसा है उनका मेडिकल फी आप दिला देने के लिए सक्षम है? क्योंकि गवर्नमेंट आपको हिंदू मुस्लिम डिबेट में आपका माइंड को डाइवर्ट करके भारत में सरकारी मेडिकल को बर्बाद कर रहा है। आप धर्म को बचाने के लिए दिन रात पागल हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपका मेडिकल बर्बाद हो चुका है। जिस दिन आप मेडिकल जाएंगे, आपका परिजन को ट्रीटमेंट करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, और आपको धराया दिया जाएगा एक बिल 50 लाख का, 40 लाख का, तब आपका हिंदू मुस्लिम डिबेट याद आएगा। जब आपको हिंदू मुस्लिम डिबेट से थोड़ा सा फुर्सत मिलता है तो आपके पास दो पहिया वाला वाहन या आपका पास चार पहिया वाला वाहन है तो थोड़ा सोचिए, पेट्रोल का कीमत क्या हुआ है, डीजल का कीमत क्या हुआ है। आपको ये सोचने ही वक्त फुर्सत नहीं मिल रहा है पेट्रोल कितना दाम है।
रशिया में हमारा सरकार पेट्रोल सस्ता दाम में खरीदा और इतना महंगाई में क्यों बेचा, ये बात सोचने के लिए थोड़ा तो सोचना होगा भारत का सिटीजन को। अब अगर आपके पास फुर्सत है तो आपका लड़का और लड़की के बारे में सोचिए, उनका पढ़ाई खत्म हुआ तो उनको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत का सरकार तमाम पीएसयू को बेच दिया है। आप सरकारी नौकरी ही नहीं मिलेगा, आपका बच्चा प्राइवेट नौकरी करेगा, प्राइवेट कंपनी का मालिक मन चाहे तो आपका बच्चा को रखेगा, उनका मन नहीं तो उनको निकाल देगा। आपका बच्चा का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप कभी भी सरकार को चुनते वक्त सोचे नहीं, आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिबेट फंसा दिया है। अगर आपको हिंदू मुस्लिम डिबेट से थोड़ा भी फुर्सत मिल जाता है तो आपका शादी जब हो गया तो थोड़ा सोचिए, सिलेंडर कहाँ तक चला गया है, टमाटर किलो कितना है, आटा गेहूं का दाम कितना है, कि आप खरीद के खाने के लिए लायक है। देश को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, यह बात ट्विटर हैंडल में, अफरीन का ट्विटर हैंडल में देखने के लिए मिलता है। साथियों, मुरलीलाल भारती उनका ट्विटर हैंडल में लिखता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटी के लिए हिंदू राष्ट्र खतरा है। भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो संवैधानिक अधिकार ही नहीं बचेगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए। मणिपुर में भारत का संविधान आर्टिकल 371 होते हुए भी वहां का ट्राइबल कैसे असुरक्षित है, आज भारत का सरकार कैसे जंगल जमीन अधिनियम को संशोधन करके आदिवासियों का जंगल जल और जमीन का अधिकार को छीन लिया है। जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहां मनुस्मृति लागू होगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी माइनॉरिटी लोग संपदा रखने के लिए अधिकार भी खो बैठेंगे। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग को सोचना है, हमारा देश कहां जा रहा है, हमारा लोगों को हिंदू मुस्लिम का डिबेट में फंसाकर क्या क्या काम कर रहा है भारत सरकार। भारत का पार्लियामेंट में अगस्त 7 तारीख में ऐसा एक ऑर्डिनेंस पास हो गया है जो ऑर्डिनेंस के तहत स्टेट का क्षमता खत्म यही दिल्ली के लिए किया गया है, यानी चुने हुए सीएम आईएएस ऑफिसर का सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा, उनका हैसियत ही नहीं रहेगा कुछ उन्हें ना ट्रांसफर करने के लिए या कुछ आदेश देने के लिए। ये संकेत स्टेट का क्षमता को कमजोर करने के लिए आज दिल्ली में हुआ है। आने वाला कल ये कानून दूसरा स्टेट में भी हो सकता है, तब चुने हुए सीएम का औकात कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे असंवैधानिक कानून ऑर्डिनांस का द्वारा पास किया गया है। ऑर्डिनांस में ऐसा कानून पास किया जाता है जो इमरजेंसी होता है, लेकिन भारत का सरकार मनमानी करके हिंदू डिबेट में, हिंदू मुस्लिम डिबेट में लोगों को फंसा कर, गोदी मीडिया को कब्जा कर उनका मनमानी कर रहा है। News7 भारत में चौंकाने वाला खबर निकल के आ रहा है, जो बुद्ध मूर्ति है उनको मद्रास हाईकोर्ट ने मुक्त कराया है। तमिलनाडु का सलेम बुद्धिस्ट ट्रस्ट ने एक केस फाइल किया था मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने केस को रिसीव किया। धलाई मिट्टी मुरियप्पन देवता बनाकर तथागत बुद्ध का मूर्ति को वहां पूजते थे। हाई कोर्ट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट किया और उस मूर्ति को साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकली रिसर्च करने के बाद पता चल गए वो बुद्ध का मूर्ति है और वो मंदिर को आप सीज कर दिया गया है। ना जाने कितना बुद्धिस्ट ट्रस्ट और बुद्धिस्ट मूर्ति, बुद्ध का मूर्ति भारत वर्ष में ऐसे ही कब्जा करके पाखंडवादियों ने अपना धंधा चला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्टेटमेंट में ये भी बता चुके हैं, भारत का जितने बड़े बड़े मंदिर है सब बुद्ध का मंदिर है, वहां बुद्ध का मूर्ति है या बुद्ध का मंदिर को तोड़ने के बाद हिंदू मंदिर बनाया गया है।
क्योंकि पहले बुद्धिज्म था, बुद्ध था, उसके बाद बुद्ध को तोड़कर मंदिर बनाया गया, मंदिर को तोड़कर और क्या बनाया गया, जब मिट्टी का नीचे खुदाई करते हैं तो बुद्ध ही बुद्ध मिलता है। मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट देश के लिए मिसाल होगा, हर स्टेट का बुद्धिस्ट ट्रस्ट और बुद्धिस्ट सोसाइटी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करना चाहिए मद्रास हाई कोर्ट का वर्डिक्ट को लेकर, ताकि हर कोई बुद्ध मंदिर और बुद्ध को मुक्त कराया जाए। ब्राह्मण धर्म का लोग जो धंधा कर रहे हैं बुद्ध को लेकर, बुद्ध का स्टैचू को लेकर, उनका जो पेट पाल रहे हैं वो बंद होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध साइंटिफिक थॉट और साइंटिफिक विचार को फॉलो करता था। आज कैसे बुद्ध मंदिर को कब्जा करके कुछ जगह पर पाखंडवादियों मनुवादियों ने भगवान बनाकर पूज रहे हैं। हम मद्रास हाई कोर्ट का वर्डिक्ट को, जजमेंट को धन्यवाद देते हैं। अब भारत में बुद्धिस्ट के लिए रास्ता खुल गया है हाई कोर्ट में केस करने के लिए। बनते सुमित रतन जी सुप्रीम कोर्ट में बुद्ध मंदिर को लेकर पिटीशन दायर किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका पिटीशन को खारिज कर दिया और ऐसे बात बोला, हाउ डेयर यू, यानी भारत का संविधान का आर्टिकल 14 का हिसाब से सबको क्यों इक्वालिटी है, भारत का संविधान का आर्टिकल 32 के तहत कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को ऐसे प्रश्न पूछकर डराना बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन विरोध है। साथियों, आप बहुजन मुखर होकर बोलने लगे हैं, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट के बाद अब बुद्ध धर्म को पालन करने वाले लोगों को रास्ता मिल गया है, अब हर स्टेट में बुद्धिस्ट ट्रस्ट और बुद्ध धर्म पालन करने वाले लोग अपना अपना बुद्धिस्ट टेम्पल को मुक्त करवाने के लिए पिटीशन दायर करने की मार्ग खुल गया है। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल, भाई सब बहुजन, अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।